विरार से अभी अभी की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विरार पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले नारंगी कोपरी में स्थित एक कच्ची सड़क पर एक युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान 40 वर्षीय दीपक उमेश चौहान के रूप में हुई है, जो कि मालाड़ में कारपेंटर का काम करता था। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही विरार पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं इस मामले में विरार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय पवार ने बताया कि किसी अज्ञात शख्स ने अज्ञात कारणोंवश मृतक के चेहरे पर पत्थर मार मार कर उसे मौत के घाट उतार दिया है। फिलहाल इस मामले में आरोपी की तलाश हेतु पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने की कवायद में जुट गई है। ये हमारे विरार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नारंगी कोपरी, यहाँ पर एक कच्चा रास्ता है। वहां पर ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि एक 40 साल का युवक है, नौजवान है, उसका सर जो है तो पत्थरों से कुचल कर उसको मार दिया गया है। ये वारदात मिलने के बाद में हम घटनास्थल पर हमारे सीनियर ऑफिसर्स इनके साथ में और हमारा स्टाफ के साथ में पहुंचे, तो जो मरने वाला इसम है उसका नाम दीपक उमेश चौहान, उसकी उम्र 40 साल है और वह नारायण नगर जो चाल है उधर जयश्री नगर नारंगी गांव विरार पूर्व यहाँ का रहने वाला है। किसी अज्ञात इसम ने किसी अज्ञात कारण की वजह से उसको पत्थर से चेहरे पर और सर पे मारने की वजह से उसको जो इंजरी हुई है और ब्लीडिंग हुआ है उसकी वजह से उसकी मौत हुई है। विरार पुलिस स्टेशन में अभी FIR दाखिल करने का काम चालू है। जो अज्ञात अभियुक्त है उनको पकड़ने के लिए हमारे DCP साहब के मार्गदर्शन अनुसार 3 जो टीम है वो बनाई गई है और आरोपी को हम जल्द से जल्द पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे और मिलेंगे आरोपी। तो वो क्या काम करता था? वो जो मृतक है वो मालाड़ में एक कारपेंटर का काम करता था। परिवार के लोग यहाँ पे आए हैं, उनकी जो मामा है, मामा उनके जो है उन्होंने कंप्लेंट दिया है। उनकी माँ जो है तो उनकी माँ से भी हम पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल यह हत्या क्यों की गई और किसने की, यह पुलिसिया जांच का विषय है। मामले में आगे की जांच विरार पुलिस कर रही है। विरार से तारिक शेख की एक रिपोर्ट।